हाय दोस्तों, मैं हूँ सिराज और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल सिराज टेक सॉल्यूशन में। दोस्तों, हम लोग कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकते हैं ये 5 टिप्स को फॉलो करके जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। हम लोग को क्या करना है, अपना हाथों को अच्छे तरह से साबुन से धोना है। अगर किसी का कफिंग है या स्नीचिंग हो रहा है तो वो लोग अपना मुँह या नाक अच्छे तरह से टिश्यू फ्लेक्स एल्बो या मास्क से ढके, और किसी का अगर ठंडा लगा है या बुखार जैसा लग रहा है या फ्लू लाइक कुछ सिम्टम दिख रहा है तो वो लोगों से हम लोग को 1 मीटर का दूरी बनाए रखना है। और कोई मीट या एग खा रहा है तो वो लोग को अच्छे तरह से वो चीज़ बॉयल करके खाना है। और हम लोग को वाइल्ड लाइफ एनिमल से दूर में रहना है या दूरी बनाए रखना है, क्लोज कॉन्टेक्ट में ना जाए। तो ये सारा टिप्स को हम लोग अगर फॉलो करें तो कोरोना वायरस को फैलने से हम लोग रोक सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू प्रोग्रामिंग इन सी वीक 12 का प्रोग्रामिंग असाइनमेंट 1। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। वीक 12 प्रॉब्लम 1, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर यूजिंग पॉइंटर। हम लोग को एक सी प्रोग्रामिंग लिखना होगा पॉइंटर को यूज करके, जहाँ पे क्या करेगा, गिवन नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करेगा। तो पहले से थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग लिखा हुआ हैच इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, देन void find fact नाम का फंक्शन लिया गया है, देन इंट और लॉन्ग इंट दो पैरामीटर पास करवाया गया है, देन इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन, ब्रासेस ओपन करने के बाद लॉन्ग इन फैक्ट इनिशियलाइज किया गया है फैक्ट, देन इंट नाम 1, देन स्कैनर फंक्शन के द्वारा नंबर को इनपुट लिया गया है, देन फाइंड फैक्ट नाम 1 कॉमा एम्परसेंड फैक्ट, देन प्रिंट स्टेटमेंट के द्वारा फैक्टोरियल को प्रिंट करवाया गया है, देन रिटर्न 0 दिया गया है, देन ब्रासेस क्लोज। और बाकी पोर्शन हम लोग को लिखना होगा, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे void देन find fact, void find fact जो ऊपर में डिक्लेयर किया गया था, देन पैरेंथिस ओपन int n कॉमा लॉन्ग int देन स्पेस पॉइंटर f, देन पैरेंथिस क्लोज, एंटर। एंटर करने के बाद ब्रासेस ओपन करेंगे, देन एंटर देंगे, एंटर देके एक वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे इंटीजर टाइप का आई, देन सेमी कॉमा एंटर देंगे, देन पॉइंटर एफ इक्वल टू 1 इनिशियलाइज करेंगे, देन एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद एक फॉर लूप लेंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 1 सेमी कॉमा आई लेस देन इज इक्वल टू एन सेमी कॉमा आई प्लस प्लस, देन पैरेंथिस क्लोज, देन एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद लिखेंगे पॉइंटर एफ इक्वल टू पॉइंटर एफ इंटू आई, देन सेमी कॉमा एंटर, देन ब्रासेस क्लोज करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉम्पाइलर नाम पे क्लिक करके चेक करेंगे जो पब्लिक टेस्ट केसेस दिया हुआ रहता है वो पास किया है कि नहीं। तो कॉम्पाइलर नाम पे क्लिक किए, ये अभी चेक कर रहा है कि पब्लिक टेस्ट केसेस पास किया है कि नहीं। तो देखिए जो पब्लिक टेस्ट केसेस था 2x2 वो पास कर चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करके चेक करेंगे जो प्राइवेट टेस्ट केसेस दिया हुआ रहता है वो पास किया है कि नहीं। तो देख लेते हैं, चलिए देखिए प्राइवेट टेस्ट केस भी पास कर गया है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो लेकर। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।